भागवत कथा तीसरे दिन व्यास गादी से पंडित महेश गुरुजी उज्जैन वालों के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि हमें बिना लोभ के ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए, लेकिन आज का मानव लोभ करके मंदिर जाता है और भगवान से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता है। श्रीमद् भागवत कथा का आंकण अभिनव होम्स अयोध्या बाईपास पर ममता अजय गुप्ता के द्वारा संपन्न कराई जा रही है। कथा में प्रतिदिन श्रद्धालु आकर भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। अजय गुप्ता गुप्ता जी, जो भागवत कथा आप करवा रही है, प्रथम वर्ष या इससे पहले भी करवाई थी? ये प्रथम वर्ष है। कैसा महसूस हो रहा भागवत कथा? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, दिन पे दिन बढ़ते ही आ रहा है और लोग भी बढ़ते जा रहे हैं इसका लाभ उठाने के लिए। इतने दिन आपने भागवत कथा सुनी तो क्या आपको स्मरण क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? मन को शांति मिली। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठाएं, सुने, इनके ऊपर आकर्षित हों, भगवान की बुरे कामों में ना पड़ के भगवान के कामों में लगें। ये श्रीमद् भागवत करवाने का क्या उद्देश्य है? लोगों को प्रेरणा मिले, जो आज के युवा पीढ़ी है वो धर्म को मानते ही नहीं है, बहुत मतलब कम हो गया है धर्म का प्रचार। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो समझदार है अपना थोड़ा आगे बढ़े तो युवा पीढ़ी जो है उन लोगों को कुछ मिले, ज्ञान मिले, भावना उनकी जागे। जो आजकल बच्चे समझते ही नहीं, बस मोबाइल फोन मोबाइल टीवी, मेरा बस यही उद्देश्य है कि धर्म की ओर बढ़े। अभी पंडित जी ने मंच से बात कही थी कि हर आदमी लोभ के लिए भागवत कथा करता है, मेरी सर्विस लग जाए, मेरा मकान बन जाए, तो आपने कोई ऐसा लोभ है कि निस्वार्थ भावना से करवा रहे? नहीं, मैं तो निस्वार्थ भावना से करवा रही हूँ। मेरा काफ़ी समय से प्रोग्राम था, 3 साल से हमारा एक फ्रेंड था कि हमारी कॉलोनी में हमारे संत गुरु जी थे, चरण पढ़े, क्योंकि ऐसे संत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक तो हमारे गुरु जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव है उनके, बहुत ही उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं है। जब भी है तब सोचते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचे, ये उन्हें पैसे का कोई भी मोह नहीं है, सिर्फ वो इसीलिए करते सिर्फ धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करने के लिए। ठाकुर साहब, श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे, स्मरण कर रहे, क्या सीख मिली उससे आपको? यही उद्देश्य है ब्रह्म के गुरुदेव का, और महाराज जी के द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही प्रेम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से देश में ही विदेशों में सनातन धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। शिव पुराण, राम कथा, देवी भागवत इत्यादि कथाओं का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। सभी मंत्री के हम सब प्रथम करके इस राजा मुख्य नगरी भोपाल में इस बार गुप्ता परिवार के द्वारा हमने ये बात बताते तब से शुभारम्भ हुई। ये अपना 10 मार्च से स्टार्ट हुई, जो 16 मार्च तक इसका समापन। कहाँ से आए पंडित जी? ये उज्जैन के महेश गुरु जी, संत श्री महेश गुरु जी, काफ़ी चर्चित हैं यूट्यूब पे भी, इनका चैनल भी महेश गुरु चैनल, और इनका संस्कार पे दिव्या पे काफ़ी चैनल्स पे भी इनका भागवत कथा जो है, शिव महापुराण, काफ़ी कथाएँ की आती है।